पति के साथ पत्नी कपड़े उतारकर रोज सोती थी। फिर हुआ कुछ ऐसा, एक पत्नी जो अपने मुर्दा पति पर रोजाना गंगा जल डालकर उसको धुलती थी और रोज शाम को उसके कपड़े उतारकर उसके ऊपर सोती थी। लेकिन एक रात जब वो उसके कपड़े उतारकर उस पर सोती है तो अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। अब वही बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर वो पत्नी अपने पति के साथ ऐसा क्यों करती थी। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं कानपुर के रावतपुर इलाके की, जहां पर एक दीक्षित नामक लड़का रहा करता था। दोस्तों वो लड़का बैंक के अंदर काम करता था और बैंक के अंदर जब वह काम करने जाता था तो उसकी एक दिन मुलाकात होती है एक रेखा नाम की लड़की से, जिसे वो रोज मुलाकात करता है और धीरे धीरे वो मुलाकात प्यार और मोहब्बत में बदल जाती है। दोस्तों प्यार और मोहब्बत पता नहीं कब इतनी परवान चढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से घर वालों की इजाज़त से शादी कर लेते हैं। और अब बारी आती है उन दोनों की शादी करने के बाद कहीं पर सेटल होने की। इसी को देखते दीक्षित भरपूर कोशिश करता है और उसे उसकी कोशिश का फल भी मिल जाता है। दरअसल उसको शहर के अंदर एक बैंक में नौकरी मिल जाती है। अब बारी आती है उन दोनों का गाँव छोड़कर शहर में जाने की। उन दोनों के माता पिता उनको इजाज़त दे देते हैं और वो शहर में ही सेटल हो जाते हैं। दरअसल वो एक घर वहाँ पर लेते हैं जो शहर की आबादी से थोड़ा दूर होता है, लेकिन वो उस घर के अंदर खुश होते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। दीक्षित रोज़ाना अपनी नौकरी पर जाता है और शाम को रोज़ाना घर पर आता है और अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन दोस्तों एक दिन जब दीक्षित अपनी नौकरी पर जाता है तो वहाँ से वह लौट कर नहीं आता है। रेखा इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है और वो दीक्षित को बार बार फ़ोन करती है, लेकिन उसका एक बार भी फ़ोन नहीं उठाता है। दरअसल दोस्तों बैंक वाले उसको घर जाने की छुट्टी दे देते हैं, लेकिन दीक्षित अपने घर नहीं पहुंचता। इस बात को लेकर रेखा काफ़ी परेशान होती है, लेकिन वह यह सोचकर अपनी रात बिता देती है कि कहीं दोस्तों के साथ या कहीं पर वो रिश्तेदारी में रुक गए होंगे। लेकिन दोस्तों रेखा की जो सब्र की हद होती है वो बिल्कुल पार हो जाती है। वो सुबह उठते ही अपने पति को वापस कॉल लगाती है, लेकिन इस बार और उसको हैरान कर देने वाली चीज़ होती है जो उसके पति की कॉल लगती ही नहीं है। दरअसल उसके पति का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। रेखा इस बात को लेकर और ज़्यादा परेशान होती है और वो सीधा जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर। स्टेशन के अंदर जाकर वो अपने पति के लापता होने की वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराती है। दरअसल दोस्तों जब पुलिस वाला उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ही रहा था तो पुलिस वाले के पास एक फ़ोन आता है और उस पर उधर से एक आवाज़ आती है, केसर शहर के बाहरी इलाके में एक आदमी पड़ा हुआ है जो तो जिंदा है और ना ही मरा हुआ है। पुलिस इस बात को सुनकर फौरन उस जगह पर पहुंचती है जहां पर वो आदमी होता है और उस आदमी को वहां से उठाकर लाती है और रेखा को दिखाती है और कहती है क्या तुम्हारा पति यह तो नहीं है। तो रेखा उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल दोस्तों वही दीक्षित होता है जो रेखा का पति होता है। पुलिस वाले दीक्षित को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद डॉक्टर्स दीक्षित को मृत घोषित कर देते हैं। जब ये खबर रेखा के कानों तक जाती है तो रेखा टाइम पर एक टीम को जो निरीक्षण सर्वे कर रही थी घर घर जाकर उनका पहुंचना उस घर के अंदर होता है। जो रेखा और दीक्षित का जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक गंदी बदबू आती है जिसकी वजह से वो उस घर में जाने से रोक नहीं पाते। वो अपने आप को उस घर के अंदर ले जाते हैं और वो जाते हैं तो देखते हैं कि एक बेड पर एक लाश पड़ी हुई है जिसकी हड्डियां गली हुई हैं, जिसका मांस खत्म हो चुका है और उसके अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही है कहना भी मुनासिब नहीं है। जब वो रेखा से उसके बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि यह मेरे पति हैं जो कोमा में चले गए हैं और यह कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएंगे, फिर से हम अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे। दरअसल दोस्तों रेखा यह बात इसलिए कहती है क्योंकि वो अपना दिमागी संतुलन खो चुकी होती है। दोस्तों डॉक्टर्स काफ़ी मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी एक नहीं सुनती। फिर आखिर में दोस्तों डॉक्टर्स उसे एक बहाना लगाते हैं कि तुम्हारे पति का हॉस्पिटल के अंदर अच्छे से इलाज किया जाएगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह कहकर वो उसके पति को वहाँ से ले जाते हैं और उसके माता पिता को बुलाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। और उस रेखा को जिसका दिमागी संतुलन बिल्कुल ख़राब हो चुका था उसको पागलखाने के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों आज की कहानी का बेस्ट यहीं पर होता है, लेकिन दोस्तों फिर से वही सवाल कि आखिर जो उस लड़की ने किया वो गलत था या सही। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या उसका ये करना सही था या गलत।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन अल्लाह नई और चौंका देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ खबरें अभी तक। दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को दबा दीजिए।